ये जनरल करेक्टर पढ़ रहे हैं हम लोग किसके, किंगडम एनिमिलिया के। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो बिटिया बच्चे सुन लो हमें, सिमेट्री के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होते हैं एसिमेट्रिकल और एक होते हैं सिमेट्रिकल। यानी सिमेट्री के बेसिस पर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दो कैटेगरी में, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। कुछ खास बातें पहले वो जान लीजिए। ठीक है, एक ये ह्यूमन है, क्या है, एक ये ह्यूमन है। तो ह्यूमन के केस में अगर बोले तो जो टॉप हेड वाला रीजन होता है इसको बोलते हैं एंटीरियर, क्या बोलते हैं, और जो पैरों की तरफ वाला रीजन होता है ये कौन सा होता है, पोस्टीरियर। यानी जो ये हमारा जो पोर्शन है ये एंटीरियर है और पैरों की तरफ वाला क्या है, पोस्टीरियर है। फिर हमने उस दिन आपको बताया था डॉर्सल और वेंट्रल। तो ये जो सामने की तरफ दिखाई पड़ रही है, ठीक, जो सामने की तरफ दिखाई पड़ रही है ये वेंट्रल सरफेस है, और जो पीछे वाली सरफेस है ये कौन सी सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, हमने उस दिन भी आपको बताया था जिस पर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट हो वो वेंट्रल होता है। आंख मुंह नाक ये सब जिधर प्रेजेंट है वो सब कुछ क्या होगा, वेंट्रल। और जो बैक साइड है वो क्या होगी, होगी डॉर्सल। अपर पोर्शन एंटीरियर, लोअर पोर्शन पोस्टीरियर। यानी हमारे जो पैर हैं, हमारे जो लेग हैं वो पोस्टीरियर है, और जो हमारा हेड है वो कौन सा रीजन है, एंटीरियर रीजन। क्या है, एंटीरियर रीजन, ऐसे आप बोल सकते हो। कैप हम एंटीरियर रीजन में पहनते हैं, जूते हम पोस्टीरियर रीजन में पहनते हैं। समझ में आई बात। अब अगर मान लो ये कुत्ते बिल्ली के साथ अगर बात हो तो अब एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होगा और डॉर्सल वेंट्रल क्या होगा, सेम भाई, जिधर माउथ है जिधर हेड है वो कौन सा, और जिधर पूंछ है उधर पोस्टीरियर। अब इनके केस में डॉर्सल और वेंट्रल कैसे डिसाइड करेंगे, जिधर ज्यादा चीजें प्रेजेंट वो वेंट्रल, जिधर कम चीजें प्रेजेंट। अब भैंस कैसे खड़ी होती, नीचे एक तरफ, तो आंख नीचे एक तरफ, मुंह नीचे एक तरफ, जीभ नीचे की तरफ, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, वेंट्रल साइड, और ये कौन सी साइड हो गई, कोई दिक्कत किसी को, कितने लोग समझ में आ रहा है बेटा, समझ में। अब हम बता देते हैं आपको कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। अच्छा ये जो तो ये सिंपल सा टैक्सोनॉमी याद करिए, टैक्सोनॉमी में जब आप पढ़ते थे टैक्सोनॉमी तो आपने उसमें पढ़ा कि वो पैर रखने के लिए, तुम्हें आराम, तुम आगे रख लो, इस पर रख लो, जो वहीं से देखो वहीं से, अब इस पर पैर रख लो। पर्सनल बात चल रही, मतलब क्या इतनी, मतलब ऐसे 2 करोड़ रुपए जो है वो देने थे मोदी को, 2 करोड़ मोदी देने थे। ऐसी खास बात बता रही बिटिया कि सुनो, आज 2 किलो सोना लेके उधर से गुजरेंगे पक्के पुल से, तो उधर से हमें 2 गार्ड की जरूरत पड़ेगी, तुम 3 प्रभाव। तो सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का जैसे सिंपल सा पूरी फेरा की बात करें, पूरी फेरा बहुत दुखी कर रखा है इन पूरी फेरा ने हमें इस समय, ये पूरी फेरा ये क्या है, इनको आप कट करो कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, आप इनको कैसे भी कट करो ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। हालांकि एक हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, हालांकि वो इनके रिश्तेदार भी नहीं है बिल्कुल, इसमें अमीबा, और आपको मालूम है कि अमीबा का कोई लिखना मत अमीबा भैया यहाँ, या पूरी फेरा लिखना, इसलिए नहीं बना रहे थे, एनिमिलिया पढ़ रहे ना तो अमीबा कोई काम नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए, अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप होता है क्या, अगर अमीबा का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता तो आप अमीबा को किसी भी प्लेन से कट करो, अमीबा के 2 इक्वल हाफ नहीं होंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके 2 इक्वल हाफ नहीं हो सकते वो सारे के सारे एसिमेट्रिकल होते हैं, और होते हैं एसिमेट्रिकल। जैसे पूरी फेरा साइकॉन एग्जाम्पल है पूरी फेरा का, आप उसको किसी भी प्लेन से कट करो वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड
नहीं होगा। तो जो टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते वो कौन होते हैं, वो एसिमेट्रिकल होते हैं। कौन होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। हाँ भाई बता रहे। अब एक होते हैं सिमेट्री की बात करें। अब सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है थ्री कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, थ्री कैटेगरी में। एक होते हैं यूनिवर्सल, क्या होते हैं यूनिवर्सल। एक होते हैं रेडियल, कैसे होते हैं रेडियल, और एक होते हैं बायलैटरल। एक होते हैं बायलैटरल, ठीक है। यूनिवर्सल जो होते हैं इनको स्फेरिकल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल बोल देते हैं। कुछ लोग इस यूनिवर्सल को इस रेडियल में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग क्या पूरा शहर पढ़ा देता है, कुछ लोग पढ़ा, मतलब लोग यही बताते हैं कि सिमेट्री कितने टाइप की होती है, टू टाइप की, एक रेडियल सिमेट्री और एक बायलैटरल सिमेट्री। तो चलो पहले यूनिवर्सल पढ़ दें। यूनिवर्सल की अगर हम बात करें, जैसे बॉल बॉक्स देखा आपके एनसीईआरटी में बना हुआ, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। गुड इवनिंग बेटा। स्फेरिकल का मतलब होता है कि ये सेंटर है इसका, क्या है ये, और इसको किसी भी प्लेन से कट किया जाए, इसको किसी भी प्लेन से कट किया जाए, और किसी भी प्लेन से कट करने पर अगर ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सी सिमेट्री, यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। और इसका एग्जांपल है बॉल बॉक्स, प्लांट के लिए यूज करते हैं ये सिमेट्री। किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। तो यूनिवर्सल का मतलब है किसी प्लेन से भी कट करोगे वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर सेंटर से होते हुए, जैसे गेंद ले लो बॉल, और उसका एक सेंटर होगा कोई ना कोई, उसको आप किसी भी प्लेन से कट करो, जो इक्वल मतलब जो हाफ होंगे वो हर तरीके से एक होंगे दिखने में, नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। एक लड्डू ले लो, उसको कहीं पर से भी काटो, किसी भी प्लेन से काटो, अगर उसके सेंटर से होते हुए काट रहे हो तो टू इक्वल हाफ निकलेंगे। कौन सी सिमेट्री होगी, यूनिवर्सल और स्फेरिकल सिमेट्री। चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो बॉल बॉक्स, क्या लिख लो, बॉल बॉक्स लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक होती है रेडियल सिमेट्री। कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। एक खास बात याद रखिएगा, ये सिमेट्री एक्चुअली प्लांट में देखने को मिलती है मेनली। किसमें देखने को मिलती है, प्लांट में। अगर आप लोगों के स्कूल में फिफ्थ चैप्टर एप्टर हो गया होगा तो आपके यहां उन्होंने फ्लोरल फार्मूले पढ़ाए होंगे। क्या पढ़ाए होंगे, फ्लोरल फार्मूले पढ़ाए होंगे, पढ़ाए। तो अभी आप जैसे देखोगे तो इस तरीके के कहीं पर अगर टॉप पे सर्कल बना हुआ है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिमेट्री कैसी है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल या जो स्फेरिकल सिमेट्री होती है वो किसके केस में होती है, प्लांट के केस में होती है। किस केस में होती है, प्लांट के। फिर आती है रेडियल सिमेट्री। कौन आती है, रेडियल सिमेट्री। स्टार फिश आपको मालूम है, कौन सी फिश मालूम है आपको, स्टार फिश। ठीक है, कोई दिक्कत बेटा, सही बनी नहीं है, सही बनी नहीं है, ठीक है। होती है ऐसी है, जानते हैं स्टाफ, इस तरीके से कांटे होते हैं इस पे, इसलिए इसको एस्टेरिएसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरिएसी। तो ये जो फिश होती है इसको अगर हम ऐसे बनाएं, ना समझ में नहीं आएगी, चलो अच्छा, ये ऐसे होती है एक्चुअल में, ऐसे होती है, आप सही आई, ऐसे होती है, ठीक है, दिख रही है, ऐसी होती है, वो शेप गलत बना, ये इसका सेंटर है, ये क्या है इसका, तो यहां से इसको कट करो, या एक और पोर्शन है उससे कट करो, यानी एक पर्टिकुलर रेडियल है लेकिन एक से ज्यादा सिमेट्री से वो कट हो जाए, सारी से नहीं, अगर वन और टू प्लेन से कट करने पर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है तो रेडियल सिमेट्री। यूनिवर्सल में क्या था, किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो ही वो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। रेडियल में मैक्सिमम टू, क्या, मैक्सिमम टू, ठीक है। अब अगर हम बात करें दूसरी,
और एक्चुअली इसमें बात करें तो ये जो हमने डायग्राम बनाई है जो फिश होती है इस तरीके से पलट के होता है शेप इसका। हाँ मैक्सिमम टू मिनिमम वन, वन में वर्टिकल नहीं होने चाहिए, बड़ा सिंपल से समझो। ये जो डिवाइड कर रहे हैं हमने यहाँ वर्टिकल काट दिया इसको, हम कभी कहते शेप सही नहीं बनाया, ये एक्चुअल में इसको आप ऐसे इसको बात नहीं कर रहे हैं हम, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर फ्लैटेंड कट करो और अगर वो फ्लैटेंड डिवाइड कट करने पर वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है और इस फ्लैटेंड के साथ वो और कैसे हो सकती हो, वर्टिकल, यानी मेनली किससे होगी फ्लैटेंड, फ्लैटेंड के साथ वर्टिकल, नोटिस करिएगा इस बात को, मेनली कैसे डिवाइड होगी हॉरिजॉन्टल फ्लैटेंड, अगर दूसरा टाइप होगा तो दूसरा टाइप वर्टिकल होगा, क्या होगा पहली चॉइस क्या होगी, दूसरी चॉइस क्या होगी तो रेडियल सिमेट्री, कौन सी सिमेट्री, हिस्टोरिकल में ऐसा नहीं था, कहीं से भी कट करो, स्लैंट कट करो, वर्टिकल कट करो, हॉरिजॉन्टल कट करो, किसी भी प्लेन से कट करने पर अगर टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है तो स्फेरिकल, बाइलेटरल, बाइलेटरल में हमेशा उसका नाम ही दिख रहा है बाइलेटरल, हमेशा कैसे कट करेंगे वर्टिकल, कैसे कट करेंगे, जैसे हम लोग, हमको सिर्फ वर्टिकल अगर कट किया जाए तभी हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, अदरवाइज हम टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होते। और जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो हमेशा मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी जो दो टुकड़े हों बाहर से दिखने में एक जैसे हों, ऐसा क्यों बोला, जैसे मान लिया तुमने कट किया अपने आप को, आधे लोग इंटरनली सोचने लगे कि हमारा स्टमक तो इधर आ जाएगा दूसरे वाले टुकड़े में तो स्टमक पहुंचेगा नहीं, या हार्ट तो एक हिस्से में चला जाएगा दूसरे भाग में तो पहुंचेगा नहीं, ये तो एसिमेट्रिकल हो गए ना, हम इंटरनली एनाटॉमी से हमें कोई मतलब नहीं है, जब हम सिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं तो मॉर्फोलॉजिकली डिवाइड करते हैं, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कितनों को समझ में आ रहा है फिर चिल्लाए पड़े हैं कोई दिक्कत। फिर आता है एक सीलोमेट या बॉडी कैविटी, ये समझ आ गया बेटा, बहुत टाइम ले लिया इसको, नेक्स्ट थिंग होती है बॉडी कैविटी, क्या होती है ये बता, नोट तुम लोग मिल गए, बॉक्सीट मिल गई, बॉडी कैविटी के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, एक होते हैं एसीलोमेट, एक होते हैं एसीलोमेट, एक होते हैं स्यूडो सीलोमेट, जब फॉर्म होती है तो हमने बताया था एम्ब्रियो,
बात समझ आएगी। सीलोमेट का मतलब
एरियोटिक जैसे हमने पहले बताया था टोटल एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों हो सकते हैं। कंडीशन ये है कि मेसोडर्म थिन लेयर के फॉर्म में हो जाए, किस फॉर्म में हो जाए थे, अगर थिन लेयर के फॉर्म में हो जाए थे तो वो टेट्रोब्लास्टिक क्या है, जीरो। लेकिन अभी इसी को हम पूरा भर दें मेसोडर्म, और बाकी के रेस्ट ऑफ सारे डेटा और तीनों फेरा और तीनों कौन कौन बोला पूरी फेरा सीलेंट डेटा और तीनों फेरा डिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट बाकी सारे के सारे डिप्लोब्लास्ट तीनों फेरा आखिरी वाला ना तीनों फोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई साहब हम बहुत चुके हैं स्पेलिंग में सी से शुरू होती है तीनों फोड़ा
ये सुन लीजिएगा, बहुत दिक्कत देता है ये काउंट एंडोप्लास्ट के काउंट एंडोप्लास्ट है, पोरीफेरा सीरेंट्रेटा इनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक डेल्टी एमएनसी एस्क्रेमेंसिस एनेलिडा पोरीफेरा मोलस्का इकार्नोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा आर्थ्रोपोडा, ये सारे के सारे डिप्लोब्लास्ट। कुछ काबिल लोग कुछ इकार्नोडर्मेटा और इकार्नोडर्मेटा की खास बात भी बताएं। मेटामेरिज्म का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर। बात का मतलब है कि एक स्ट्रक्चर रिपीट, जैसे यहां पर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखें, एक सी एक वाले से एक सी एक वाले से अल्टरनेशन ऑफ सी या मेटामेरिक से, जैसे हमारी फिंगर हमारी फिंगर रेडियस अलना, रेडियस अलना प्रोपेल किया जा रहा है, कीमत कीमत के बाद टेबुला फाबुला कार्पेल मेटाकार्पेल, ठीक है यहां ये जो लिख रहे हैं ये फ्लेंजेस, ये हड्डी एक हड्डी एक हड्डी, ठीक है सेगमेंटेशन रिपीटेशन ऑफ मोड, ठीक है यानी हमारे कितने हेड में देखें तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इतने मोड में देखें, और ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिख रहा है आपको ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से, कैसे ये जो आपको सेगमेंट दिखाई पड़ रहा है ये एक्सटर्नली भी है और इंटरनली मोड में दिखा, इंग्लिश भी नहीं जानते हिंदी नहीं जानते 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 ना घर पे गलती रहती है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें कैसे कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, कैसे स्ट्रक्चर हो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एनेलिडा सुना ना, नाम तो सुना ही होगा एनेलिडा, तो एनेलिडा क्यों बोलते हैं, उसमें इस तरीके के स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक को बोलते हैं एनेली, क्या बोलते हैं और एनेली रिपीट कर रही है, क्या कर रही है एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में सर्कुलर स्ट्रक्चर है, क्या है बॉडी सेगमेंटेड होगी, कैसे होगी एक सेगमेंट दूसरा सेगमेंट तीसरा सेगमेंट चौथा सेगमेंट होगी, तो बस देखो सेगमेंट रिपीट करते हैं कि नहीं करते, तो अभी हमने आपको बताया मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है रिपीटेशन ऑफ सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट का क्या करना रिपीट करना, आप लोग देखा देखा आप लोग मारा था नहीं मारा, अगर आपने कॉकरोच को मारा होगा तो कॉकरोच की इतनी बड़ी पैरी हड्डी होती है फीमर होती, उस फीमर से करके डिजाइन ड्राइव और एक बार पतली आते हुए आती है, फिर आगे और पतली आते हुए इस तरह से ये हो जाते हैं,
जैसे हमारे पैर में मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, फीमर, पैटला, फिबुआ, फिबुला, ठीक है, एंकल, है नहीं है, टिबिया, फिबुला, अलग अलग समझ में, सेगमेंटेशन का मतलब समझ में, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर बॉडी किसमें सेगमेंट में डिवाइडेड है, ये सेगमेंट एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। जो वर्टिब्रेट होते हैं उसमें इंटरनल मेटामेरिक कौन से होते हैं, इंटरनल मेटामेरिक, कैसे हमें ऊपर से देखने पर हम अपने आप को देखें कहीं दिख रहा है किडनी वाला कुछ अलग, हार्ट वाला अलग, सिक्स पैक में दिखा रहा लेकिन तो सिक्स पैक में जो पैक दिखाई पड़ रहा है बाहर थोड़ी ना, ऊपर तुम्हें निकाल के बाहर के स्किन के अंदर यानी जो सेगमेंट है भी समझ आ रहा। तो हमारी बल्टी वेट जो होती है उसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, और जो आर्थ्रोपोड होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल मेटामेरिक। जैसे हमारे पैर भी है, अगर हम पैर की बात करें तो हमारा सेगमेंटेशन है ये इंटरनल सेगमेंटेशन, जो पैर है तो बाहर से नहीं देख सकते, पूरा हड्डियां दिखने का तरीके से अलग से कॉकरोच में आप देखो तो दिखाई पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। अगर आप कॉकरोच का पैर देखोगे तो जैसे एक एक फीमर है उसके बाद उसका टिबिया है तो बेहतरीन तरीके से दिखाई पड़ता है, इसे निकाल लिया। जैसे डॉल होती है ना, डॉल डॉल के हाथ पैर होते हैं तो लगे वो निकाल लिए तो सामने दिखाई पड़ता है, मतलब दिखाई पड़ेगा क्या हड्डी सामने दिखाई पड़ेगी। हमारी बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन है, क्या है, इंटरनल सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। तो हमारी बॉडी में इंटरनल मेटामेरिज में और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होती है, एक्सटर्नल मेटामेरिज होती है। एक ही होती है स्टेबलाइजेशन, क्या होता है, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है आप स्टेबलाइजेशन के बेसिस पर बोले तो कुछ ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइजेशन शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइजेशन शो नहीं करते। जिनकी कांत तो अगर हम सिंपली बोले तो प्लेटी हेलमेंथिस से पहले उसमें जिसके पास हेड बनना शुरू हो जाए वो कौन होते हैं, उससे सिविलाइजेशन शो करते हैं। जिनके पास हेड नहीं होता वो सिविलाइजेशन शो सिविलाइजेशन का मतलब होता है हेड का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन हेड का फॉर्मेशन। तो जैसे अगर हम यहाँ पर बनाए अभी हमने कोई फैला करना था कोई ऐसी बॉडी होगी तो हेड कहाँ है, उनके पास हेड है, जिनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन तक उनके पास ऑर्गन नहीं है तो हेड कहाँ से होगा। इसलिए प्लेटी हेलमेंट से पहले वाले इनके पास किसी के पास हेडलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो सिविलाइजेशन को नहीं करते। सिविलाइजेशन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां से हेड का बनना शुरू हो जाता है वो क्या शो करते हैं, सिविलाइजेशन शो करते हैं, क्या शो करते हैं, सिविलाइजेशन शो करते हैं। तो बेटा फिर आते हैं अपेंडेजेस, क्या आते हैं अपेंडेजेस। अपेंडेजेस की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिज्म के पास अपेंडेजेस होते हैं और कुछ के पास नहीं होते, जैसे पूरी फिर इनके पास नहीं होते, इनके पास अपेंडेजेस नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ो तो आपको अपेंडेजेस दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो पहले तो आपको बता दें अपेंडेजेस का मतलब क्या, जो आपकी मेन बॉडी एक्सेस है, क्या है, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा लटकता हुआ है वो सब कुछ क्या है, अपेंडेजेस। आपको अपेंडेजेस जो आपके मेन बॉडी से लटक रहा है वो सब कुछ क्या है, अपेंडिजेस। समझ में आया, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है जैसे ऐसा क्यों बोलते हैं, जैसे नदी की बात कर रहे थे, आप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाते हो जब तो आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिज्म के तरीके से हेड लाइन स्ट्रक्चर होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपेंडिजेस।
अगर आप मच्छर को देखो तो मच्छर की एक मेन बॉडी होती है और उसके पैर लटक रहे होते हैं, वो अपेंडेजेस। क्या है वो? अपेंडेजेस। तो अपेंडेजेस कई टाइप के होते हैं, जैसे नेरीज की बात करें, जैसे हाइड्रा, हाइड्रा के पास भी अपेंडेजेस है। टेंटिकल, हमने क्या बताया, बॉडी के बाहर जो कुछ लटक रहा है वो सब कुछ क्या है? अपेंडेजेस। क्या है? अपेंडेजेस। तो हाइड्रा के पास जो होते हैं वो टेंटिकल अपेंडेजेस होते हैं। नेरीज के पास क्या होते हैं? नेरीज के पास पैरापोडिया होते हैं। क्या होते हैं? पैरापोडिया। फिशेस के पास फिन्स होते हैं। हमारे पास लिम्स होते हैं। लिम्स टू टाइप के होते हैं, फोर लिम्स और हिंड लिम्स। जो कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं वो फोर लिम्स, और जिससे हम वॉकिंग करते हैं वो हिंड लिम्स। कोई दिक्कत किसी को? और हम लोग इसीलिए टेट्रापोडा। कौन है? टेट्रापोडा। काउ भी कौन है? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा मतलब जिनके हाथ पर मिला के कितने हो? चार हो। कौन होते हैं? टेट्रापोडा होते हैं। इंटरसेलुलर डाइजेशन और एक होता है इंट्रासेलुलर। अगर इसको हम थोड़ा और सरल करते हैं तो एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक होता है इंटरसेलुलर डाइजेशन। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और एक होता है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा और इंट्रा। अच्छा, इंटर मींस होता है के, इंटर मींस होता है के। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि कितने टाइप का है? दो टाइप का है, इंट्रा, इंटर और एक्स्ट्रा सेलुलर। हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और अमीबा में पूरी फेरा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। आप जो खाना खाते हो हमारी बॉडी में तो अंदर डाइजेशन होता है, हमारी बॉडी में अंदर डाइजेशन होता है, लेकिन इसका मतलब है कि स्टोमक की सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है। ये स्टोमक, ये किसको खाएगा? ये कौन? ये स्टोमक। ये कौन सा? आपने धरती तरीके से खाना छोले भटूरे खाए, तो छोले भटूरे आप पेट में गिरे, छोटा गिरा तो भटूरा गिरा, तो इसका मतलब है कि उस सर के छोले के लिए आप उस सर के अंदर घुस जाओ, तो स्टमक के अंदर गिरने की स्टमक की जो सेल है वो बॉल के अंदर छोला गिरा भी नीचे से निकली तरफ घुसेंगे, सर के अंदर घुस जाएंगे। हमारी बॉडी में स्टमक में डाइजेशन कैविटी इसको बोलते हैं, बोलते हैं जब डाइजेशन कहा हो सेल के बाहर। लेकिन अमीबा में, अमीबा में स्यूडोपोडिया फॉर्म होता है, तो स्यूडोपोडिया फॉर्म होने के बाद क्या होता है? ये बड़ी अच्छी बात है, ये क्वेश्चन का आंसर होता है। देखो, ये क्वेश्चन का आंसर समझ में प्रेत लाए पड़े कि जनरल ट्रैक्टर खत्म होने वाले हैं। बस देखो, अच्छा ये अमीबा है, है या फिर मान लो आप पढ़ते थे कि अमीबा पूरी में कॉन्टेक्ट में आता है, फिर आप पढ़ते थे कि अमीबा सिंगल लाइफ कलेक्शन फॉर्म करता था, है ना? फिर आप पढ़ते थे छोटी हो गई सर, एक दोबारा कॉन्टेक्ट में आया छोटी हो गई, तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे फूड वैक्यूल फॉर्म कर करके।
बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। ये जो बैक्टीरियल फॉर्म हुई है इसके अंदर ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ और सारा का सारा फूड तो डाइजेस्ट हो जाएगा, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड बच जाएगा, है ना। और आपने पढ़ा था कि अनडाइजेस्टेड फूड सेल क्या करती है, डाइजेशन करती है, सेल बस्ट करती है और ये फूड बाहर निकल जाता है। ये होता कैसे जानते हो? एक लाइसोसोम आके इससे अटैच होता है, एक लाइसोसोम आके इससे अटैच होता है। जब इससे अटैच होता है तो ये लाइसोसोम इस फूड वेक्टर के साथ मिक्स अप होता है। इसके साथ क्या हो गया? मिक्स अप हो गया। मिक्स अप होने के बाद ये पूरा का पूरा लाइसोसोम बन गया। क्या बन गया? ये आके यहाँ सरफेस से अटैच होता है। अटैच होता है, आपको मालूम है लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, अंदर से सेल को तोड़ा, अब देखो इतना हिस्सा पहले बाहर निकला था, अब इतना हिस्सा फिर आके जुड़ गया, सेल फिर से क्या हो गया? उससे ज्यादा नीड में बहुत जो सेल का साइज होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में वहां फूड वेक्टर फॉर्म होगी तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा, तो दोबारा सेल का साइज वापस रिटेन कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? देखो पहले ये फूड वेक्टर नीचे अंदर आ गई, तो दोबारा बाहर की तरफ खुले जुड़ गया, जब ये सीधा करोगे तो सेल क्या होगी? वापस साइज में आ गई। इसको समझ में आ रहा है बेटा? नहीं है ना? आ रहा है? कितने चिल्ला रहे बिटिया? फिर आता है बेटा रेस्पिरेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर समझ आ गया? हम लोग कौन सा डाइजेशन करते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर। अमीबा, गरीब लोग, कोई पेड़ा कौन सा डाइजेशन करते हैं? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। इंट्रा सेलुलर। फिर आता है रेस्पिरेशन, इंट्रा सेलुलर। मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन का मतलब यहाँ से कुछ अद्धा अद्धा पान तुम्हारे पास है, कितनों वैसे बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग में जा रहा होता है, तो वीडियो देख रहा है, ये कुछ तो नहीं अद्धा पान दे हंसी आप रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन की ना बोलते ना बोले तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के टूटने की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा तो वो सब कुछ रेस्पिरेशन हो गया है। ह्यूमन बॉडी टू टाइप का रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एनर्जी का। अगर हम बात करें एनिमल्स, हम लोग मेनली कौन सा परफॉर्म करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोग कौन सा परफॉर्म करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एक खास बात याद रखिएगा, गरीब वो लोग जो पैरासाइट, कौन पैरासाइट, एक खास बात। न्यूट्रिशन की बेसिस पर बात करें तो एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक ग्लैंड, फिर एनिमल पर हेटरोट्रॉफिक होंगे, सेप्रोट्रॉफिक होंगे, अंदाजा पड़ चुके हम लोग। अब प्लांट एनिमल में तो यहाँ पर हेटरोट्रॉफिक हार्मोन है, होलोजोइक है, सेप्रोजोइक है, यहाँ पर सेप्रोफाइट आ गया, पैरासाइट। पैरासाइटिक की खास बात में तो हाईलाइट करके बोल रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट, जैसे अगर हम बात करें
जो हमारी बॉडी में जल नहीं पड़े, कैनिया सोडियम, लिवर ब्लू, ये सारे के सारे लोग पैरासाइट। और जब भी कोई ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होगा उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, जब उसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन ना परफॉर्म करके एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। मतलब आपको होटल गए खाना खाने, रेस्टोरेंट है, तो क्या वहां गैस चूल्हा कुकर और तवा सब लेके जाते हैं कि वहां जाके अपना बेहतरीन तरीके से एक मेज पर बैठे जाके लगा दिया। होटल गए या रेस्टोरेंट में पहले बात तो आपने खास बात आदमी क्रीम बोलता रहता है, हम लोग खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होते हैं वो क्या चूसते हैं, चूसते सतर्क होते हैं उनके पास। हमारे ब्लड में तो डाइजेस्टेड फूड है ना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने फूड डाइजेस्ट किया था, वो सारा का सारा डाइजेस्टिव फूड कहां एब्जॉर्ब हुआ था, हमारे ब्लड में। इसका मतलब कि अगर कोई पैरासाइट है हमारी बॉडी का, मतलब वो रेस्टोरेंट में आया, अगर वो रेस्टोरेंट में आया मतलब उसको डाइजेस्टिव फूड मिला है ना, तो अब वो और डाइजेस्ट कर और डाइजेशन करेगा क्या, तो जिस वजह से डाइजेस्ट है उसको और डाइजेस्ट कर सकते हैं क्या। तो जितने भी पैरासाइट होते हैं उनके पास एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, दूसरा ऑक्सीडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि सब कुछ टूटा फूटाया उन्हें मिलता है, एनर्जी सीधे मिल रही है, एटीपी सीधे मिल रहा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन सा एक्सप्रेशन करने लगते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। याद रखिएगा एनिमेलिया का मेन जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है, लेकिन वो लोअर ऑर्गेनिज्म जो पैरासिटिक है वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, एनएरोबिक। लेकिन कंडीशन है कि वो कैसे होने चाहिए, कंप्लीटली पैरासाइट होने चाहिए, ऑब्लिगेट पैरासाइट होने चाहिए। अगर फैकल्टेटिव पैरासाइट है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव जिसको नहीं समझ आया वो बड़े आसान से शब्दों में समझ ले, मैं आपके लिए फैकल्टेटिव बायोलॉजी टीचर हूं, लेकिन कहता हूं एक महीने बाद और पढ़ लेंगे, तो आप ऑप्शन हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन तुम स्कूल वाले टीचर हो, तुम कुछ भी करे पढ़ना तुम्हें ऑफिस है, तो स्कूल वाले टीचर पर आप बायोलॉजी के लिए क्या हो, ऑब्लिगेट पैरासाइट, लेकिन हम पे क्या हो, फैकल्टेटिव पैरासाइट। नहीं समझ पाए दूसरी बात करेगा तुम्हारा समझ पाए, अच्छा कल क्या है आपकी।